देखें गाइस, ये आज हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम 1.5 पाव कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। तो कढ़ाई में बना रहा हूँ मैं, ये देखें, ये मैंने 2 से 3 टमाटर काटे हुए हैं बारीक बारीक कर कर, और ये मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हाथ से कुटाई करूँगा मैं इसकी। तो गाइस ये देखें, ये आ गया हमारा 1 पाव 1.5 पाव चिकन, ये हमने चिकन डाल दिया इसमें, और ये हमारे मसाले तैयार हो गए हैं इसके। तो गाइस ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें आ गया, तो बस अब ये हमने पकने के लिए इसको रख दिया। ये गाइस देखें, अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले, तो ये अब हमने इसमें डाल दिए मसाले, तो अब हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। गाइस हमारी चिकन कढ़ाई हो गई है तैयार, ये हमने दही डालकर इसकी भुनाई कर ली थी तो मैं आपको दिखा नहीं सका। ये हमारी कढ़ाई हो गई है ओके रेडी, और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, और यकीनन आप देखेंगे आपके मुंह में भी पानी आएगा, बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये हमारा सालन बना हुआ है कोरमा, ये देखें ज़रा। और अब बस अब ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, ओके हो गई है, तो अब हम इसको उतारने जा रहे हैं। अब हम इसका नीचे से गैस बंद करते हैं, ठीक है गाइस, इंशाल्लाह आपको और भी रेसिपी अच्छी अच्छी दिखाएंगे हम। गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने आपको चिकन कढ़ाई दिखाई है बनाकर, और इंशाल्लाह और भी इसके अलावा आपके लिए अच्छी अच्छी मैं रेसिपी लेकर आऊँगा। तो साथ कोरमा भी बनाया था मैंने थोड़ा सा, तो लग रही है भूख बहुत ज़्यादा, बस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है गाइस, इंशाल्लाह बाद में आपके साथ और जैसे कोई ऑर्डर आएगा हम और आपको दिखाएंगे। ये अब हमारी कढ़ाई, अब हम इसको उतार रहे हैं।